हे गाइस, आज हम H2O एंड NH3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट H2O का ज़्यादा होता है NH3 से, ऐसा क्यों चेक करते हैं? तो OH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो NH से ज़्यादा होगा, पहला रीज़न ये। दूसरा ये है कि यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे एक ही है, तो दो लोन पेयर्स क्या होंगे, आपस में रिपल्सन ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि लोन पेयर और लोन पेयर्स का रिपल्सन जो होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज़्यादा होगा। यहाँ पे ओनली आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स है, ठीक है, तो इनका रिपल्सन इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो होती है वो 120 डिग्री से 104.5 डिग्री हो जाती है, और यहाँ पे 107.5 डिग्री है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि H2O में चार्ज का सेपरेशन जल्दी होता है H+ और OH- के अंदर, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन इतना इजीली नहीं हो पाता, ये भी एक इसका रीज़न बोल सकता है। तो दोनों में से जो बॉन्ड एंगल जो है इसका ज़्यादा कम होगा, इसका ज़्यादा, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू